हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले मैं 7 वीडियो टीओ की अपलोड कर चुका हूं। आज हम कुछ प्रारंभिक विद्युत या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जानकारी आपको पहले से है, लेकिन देख लीजिए, शुरुआत कर रहे हैं अभी। हमें बहुत आगे तक वीडियो ऐसी देखना है कई, और कई चैप्टर पढ़ना है, तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। धीरे धीरे सब कुछ, हर चैप्टर आएंगे, हर टॉपिक आएगा। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत में हम सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, अणु, परमाणु, परमाणु संरचना, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पदार्थ से। पदार्थ क्या है? वह जो स्थान घेरता हो और जिसका कोई द्रव्यमान या भार हो। वह है जो स्थान घेरता हो, जिसका कोई द्रव्यमान, भार या कोई आकार हो, जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया। प्रत्येक वस्तु, दुनिया की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और अवस्था होती है प्लाज्मा, तो उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में कई बार गुण पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना जरूरी है। तो ठोस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आकार, द्रव्यमान, आयतन तीनों निश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आकार, आयतन, द्रव्यमान तीनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान व आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस पात्र में डालो, उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर आप गोल पात्र में डालेंगे द्रव को, तो वो गोल आकार ले लेगा। चौकोर में डालेंगे तो चौकोर ले लेगा। इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि द्रव्यमान मतलब भार और आयतन निश्चित होता है। अच्छा, एक बात और मैं यहां पे बता दूं आपको कि दो शब्द मिलते हैं, एक भार मिलता है और एक वजन मिलता है। तो दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भार की इकाई क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आया है इसलिए समझ लें। तो भार हमारा बल है एक प्रकार का, जबकि वजन द्रव्यमान कहलाता है। इन दो चीजों को क्लियर करके रखें। कई जगह पर भार का अर्थ बल से होता है, ना कि वजन से। यहां पे मैं द्रव्यमान को भी भार बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो द्रव या द्रव्यमान और आयतन तो निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। गैस, गैस क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनका केवल द्रव्यमान निश्चित होता है, आकार व आयतन अनिश्चित होता है। जिनका द्रव्यमान निश्चित होता है, केवल आकार व आयतन अनिश्चित होता है, गैस कहलाती है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, आकार इसका निश्चित, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। द्रव्यमान इसका निश्चित, ठोस के लिए ये तीनों चीजें निश्चित होती है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान के लिए, सॉरी, द्रव के लिए द्रव्यमान क्या रहता है? निश्चित रहता है। आयतन भी निश्चित रहता है, आयतन भी निश्चित रहता है। गैस के लिए द्रव्यमान भी द्रव्यमान निश्चित रहता है, जबकि आयतन अनिश्चित रहता है। देखिए, आयतन का अर्थ समझ लेते हैं। अगर आप किसी द्रव को चौकोर पात्र में भर रहे हैं, तो फिर उसका आयतन, इस चौकोर का जो आयतन है, उसका आयतन होगा उस द्रव का। जबकि अगर आप किसी गोल पात्र में भर रहे हैं उसे, तो वह गोल जो आपका पात्र है, उसके आयतन के बराबर आयतन होगा। तो आयतन में अंतर हो जाता है। इसी प्रकार गैस के लिए भी ये सही है। तो आपने जाना कि ठोस, द्रव, गैस क्या कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ गुण मैंने और लिखे हैं, जैसे घनत्व। घनत्व का सीधा अर्थ है कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा घनी है। तो
अधिक होता है, उनके जो अणु होते हैं ठोसों में, अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो या अणुओं की संख्या अधिक होती है ठोसों में, ऐसा मान सकते हैं। तो उसका घनत्व, वो घना हो, बहुत घने रूप में उपस्थित, पास पास स्थित होते हैं, इस कारण से ठोस का घनत्व उच्च होता है। गैस का घनत्व निम्न होता है या नगण्य होता है, और जो द्रव का घनत्व है वो इन दोनों के बीच का होता है या मध्यम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। श्यानता बहने का कोण होता है, ठोस कभी नहीं बहता है, इसलिए इसकी श्यानता निम्न, द्रव की श्यानता मध्यम रहेगी और आपकी गैस की श्यानता उच्च रहेगी। इसके बाद तन्यता, उसको खींच सकते हैं ठोस को, कि जो तन्यता वो निम्न होती है, इसकी मध्यम होती है, इसकी उच्च होती है या ज्यादा होती है। अणुओं के मध्य आकर्षण, तो ठोसों में अणुओं के मध्य आकर्षण प्रबल होता है, इनके बीच द्रव में मध्यम होता है अणुओं के मध्य आकर्षण, और गैस में दुर्बल या निम्न होता है, दुर्बल या फिर निम्न होता है। इनके अलावा और भी कई गुण हैं जिनके बारे में आपको मालूम है, मैं केवल आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं, आपका रिवीजन हो रहा है तो रिवाइज कर लें। इसके बाद हम अपने प्रमुख चैप्टरों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम विद्युत धारा, प्रतिरोध, चालकता, अचालकता, सारे इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर ओम के नियम और भी बहुत सारे किरचॉफ के नियम, और इन सब नियमों को पढ़ने के बाद हम फिर अपने मुख्य टॉपिक ट्रांसफार्मर, मोटर्स, इन सब के पास पहुंचेंगे। इसलिए पढ़ते चले, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी मैं बता रहा हूं किस प्रकार। तो ये मैंने बताया कुछ गुण, अणुओं के मध्य में बोल रहा था प्रबल आकर्षण बल होता है, ठोसों के मध्य गैस में बिल्कुल कम होता है, द्रव में इनके बीच का या मध्यम होता है। अणुओं के मध्य दो प्रकार के बल पाए जाते हैं, एक तो ससंजक बल, एक असंजक बल। ससंजक बल समान अणुओं के मध्य लगता है, जबकि असंजक बल असमान अणु या असमान तत्वों के मध्य लगता है। इसके बाद हम अणु जान लेते हैं। तो प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी अणु से मिलकर बना होता है। अणु पदार्थ का वह भाग होता है जिसमें रासायनिक और भौतिक गुण दोनों उपस्थित होते हैं, और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अणु कहलाता है। परमाणु, परमाणु, परमाणु क्या है? तो प्रत्येक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल जाए, नहीं मिलता है, ना पाया जाता है, याद रखिएगा, अणु जबकि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये था अणु परमाणु के बारे में। अब बताता हूं मैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना समझने से पहले हम कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। मैं बता दूं कि प्रत्येक परमाणु भी कुछ मूल कणों से मिलकर बना होता है। वो मूल कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मूल कणों में कौन कौन शामिल है, तो मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। इसके अलावा ऑप्शन में फोटॉन, ड्यूटेरियम, इस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो मूल कण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है वो 1.10⁻¹⁹ कूलाम होता है। प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान ही 1.6⁻¹⁹ होता है, कूलाम होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। तो इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये पूछा जाता है, तो जे.जे. टॉमसन द्वारा की गई है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई है।
याद रखिएगा, प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है, 1/1845 गुना होता है, 1845 वा भाग होता है या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संरचना में उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, देखिए अब मैं परमाणु संरचना समझा रहा हूं आपको, पहले मैं ये बता दूं कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। आपसे पूछा जा सकता है प्रत्येक परमाणु में समान मात्रा में पाए जाते हैं, ऑप्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस टाइप से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, आपको चुनना पड़ेगा जो सही आंसर है, तो याद रखिएगा। इसके बाद परमाणु संरचना समझते हैं। यहां मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। प्रत्येक परमाणु का एक परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन्स की संख्या को किसी परमाणु में विद्यमान या उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जब भी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या कहलाता है, इसे ही द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स की संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जबकि किसी परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स की संख्या को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कैसे भी, मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं बाद में। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक परमाणु ले लिया है नाइट्रोजन, या एक तत्व ले लिया है नाइट्रोजन, इसके परमाणु क्रमांक 7 है। इसको कैसे कक्षाओं में स्थापित करते हैं उसको जानते हैं। तो एक अफबाउ रूल होता है दोस्तों, अफबाउ फिजिक्स में ये विस्तार से पढ़ा होगा, अगर आप पीसीएम से 12th किया है आपने तो ये केवल रिवीजन हो रहा है, बेसिक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, बेसिक से ही प्रश्न बनते हैं। तो अफबाउ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु की कक्षाओं में भरने का एक नियम दिया था, उसके लिए एक सूत्र दिया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2n2। तो किसी तत्व की परमाणु संरचना में उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² द्वारा किया जाता है। 2n² ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा किया जाता है। पहले तो मैं बता दूं कि जो परमाणु की कक्षाएं होती है, जो परमाणु का नाभिक होता है, उसकी संरचना, बाहरी संरचना और नाभिक को मिलाकर जो संरचना होती है वो हमारे सौरमंडल के समान होती है। जैसे सूर्य केंद्र में होता है, बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही प्रत्येक परमाणु में के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ग्रह के समान इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रश्न पूछते हैं कि एक नाभिक के केंद्र में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आपको चुनना पड़ता है ऑप्शन, याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं में भरने के लिए किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला 2n² है। प्रत्येक n यहां पर कक्षा है, जिस भी कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं वो कक्षा यहां पे लिखते हैं। जैसे प्रथम कक्षा में भरना है या पहली कक्षा में भरना है तो n का मान 1 होगा, दूसरी कक्षा में भरना है तो n का मान 2 होगा, तीसरी कक्षा में भरना है तो n का मान 3 होगा। तो यहां पर पहले n का मान 1 लेते हैं तो 2 आ जाता है। तो प्रत्येक परमाणु के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर हम दूसरी कक्षा में भरने के लिए
दो मान लेते हैं तो 8 आता है, तो इसका मतलब है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे भरे जाएंगे। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 18 है और ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो हम नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कक्षाओं में भरते हैं, तो पहली कक्षा में 2 भर देंगे तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन आपकी दूसरी कक्षा में आएंगे। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। एक और उदाहरण समझ लेते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसके लिए प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके 9 होंगे, 9 में से हमें दूसरी कक्षा में 8 भरना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से हम 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भर देंगे। इसके बाद बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाए, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। किसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछा जाता है, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोडियम की अंतिम कक्षा में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है मैं बता दे रहा हूं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में स्थित 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, जबकि सोडियम के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार यही आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, यही आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है यही। तो याद रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोले एक ही बात है, फर्क इतना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो भाग लेते हैं क्रिया में, बैलेंसी बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो है कि किसी परमाणु से दूसरे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, तो जिससे विस्थापित होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने कुछ आपको प्रारंभिक विद्युत के बारे में बताया। इसके बाद हम मुख्य टॉपिक अपनी विद्युत धारा की चर्चा करेंगे, विद्युत धारा के प्रकारों की, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज, इन सब की बात करेंगे अब अगले वीडियो से। हमारा मुख्य चैप्टर या मुख्य टॉपिक अब आने वाले हैं, ये कुछ शुरू के चैप्टर थे जो मैंने आपको समझाया, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि मैं बीच बीच में बताते जाता हूँ, तो याद रखिएगा, कई बार इनसे भी प्रश्न ले लेते हैं और हमें इतना कंफ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में कि हम उसका आंसर भी सही नहीं लगा पाते हैं। तो अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए एकदम, ताकि एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन ना हो। पढ़ते रहिए लगातार, जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।